फ्लैग डे को लेकर दिल्ली के साकेत में स्थित न्यू ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में नेशनल फ्लैग डे को सेलिब्रेट किया गया और वहीं इस नेशनल फ्लैग डे के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने तिरंगा लहराया और हर बच्चे के हाथ में तिरंगा दिखा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व महानिदेशक शील मधुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और आपको बता दें कि शील मधुर ने तिरंगा सेना का गठन भी किया। तिरंगा अभियान को लेकर पहले से ही घर घर तक देश का तिरंगा पहुंचे इसको लेकर आवाज उठाते रहे और आज शुरुआत उन्होंने साकेत के न्यू ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल से की है, जहां सैकड़ों की संख्या में स्कूल के छात्रों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। हरियाणा के पूर्व DGP और तिरंगा सेना के अध्यक्ष शील मधुर ने कहा कि आज उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, इसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है। जो सपना वो देख रहे थे हर घर तिरंगा लहराने लगे, उसकी शुरुआत आज दिल्ली के स्कूल से की जा रही है और उनके इस अभियान को अब सरकार भी मानने लगी है। बहुत ही बच्चे बिल्कुल बारिश के बाद भी खड़े रहे, कहीं इन्होंने इधर उधर गए नहीं, डिसिप्लिन दिखलाता है और उनके अंदर की जो क्षमता है कि वो किसी भी एडवर्सिटी का सामना कर सकते हैं, वही कैरेक्टर देश के हर एक नागरिक का बिल्डअप करने के लिए इस स्कूल ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया हुआ है, ये दिखलाई पड़ता है। और हम लोग जो ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हम लोग पिछले 1.5 साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं, पिछले 28 फरवरी 2021 को हम लोगों ने लाल किले पे मार्च निकाला था और ये डिमांड की थी कि हमारे देश में नेशनल फ्लैग डे डिक्लेयर हो, सरकार डिक्लेयर करे। आज हमने नेशनल फ्लैग डे मनाया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हमने ये प्रोग्राम किया है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। बच्चों को भी सर ने बताया कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और अपने नेशनल फ्लैग को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, हमने किस तरह उसको लगना रखना है। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहती हूँ कि हर हर घर में हम अपना तिरंगा लहराएं।